हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस? आई होप आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वी डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। और आज हमारा थर्ड डे है जिसमें कि हम थर्ड लेसन को कवर करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पार्ट तीसरा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास अभ्यास नंबर 7, 8 और 9 को हमने करना है। अभ्यास नंबर 7 में यहाँ पर जो लिटिल फिंगर है जेड, तो इसे हमने यूज़ नहीं करना। इससे हिंदी में कोई लेटर नहीं आता है। आप एक्स से यहाँ पर ऊपर बिंदी आएगी, फिर मौ नौ ऐसे टाइप करना है, ठीक है। कैसे करना है देखो, उसके लिए आपने प्रॉपर फिंगर सेट कर ली। जो आपकी लिटिल फिंगर है वो जेड, तो नहीं करना इसे, क्योंकि इससे कुछ भी टाइप नहीं होगा, इसे छोड़ दें आप। तो जो सेकेंड फिंगर है, लिटिल फिंगर आपकी जो लेफ्ट हैंड है, उसे आप नीचे लेके आएँ, यहाँ पर ऊपर बिंदी, ठीक है। फिर यहाँ से मौ, फिर नौ, फिर ऊपर वापस छोटी ई स्पेस, इससे आपने ऊपर बिंदी मौ नौ छोटी ई स्पेस। अब जो आपके लिटिल फिंगर है यहाँ पर आएगी, ठीक है, यो। फिर फुल स्टॉप से यहाँ पर फुल स्टॉप ही पड़ेगा, जो इंग्लिश में जिस तरह हम यूज़ करते हैं, कॉमा से कॉमा ही पड़ेगा, बस यहाँ से सौ ल व र स्पेस। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो बच्चे इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, अगर उन्हें इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो हिंदी के लिए जो आपकी फिंगर्स की मूवमेंट है, फिंगर्स की मूवमेंट आपकी टॉप रो बॉटम रो जैसे आप करते हो वैसे ही रखना है। यहाँ पे आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। इंग्लिश में जैसे भी आपकी जो फिंगर्स की बॉटम की जो प्रैक्टिस है, जो मूवमेंट है, आप उसे वैसे ही रखें, बस यहाँ पे चेंज ना करें। तो यहाँ पर आपकी जो फिंगर की पोजीशन है आप प्रॉपर सेट कर लें। जेड को आपने नीचे नहीं लेके आना है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी लेटर नहीं आ रहा है। बस आप एक्स को टाइप करें, बिंदी मौ नौ छोटी ई स्पेस, यहाँ पर य फुल स्टॉप कॉमा स ल व र स्पेस। दोबारा बताती हूँ आपको, यहाँ पर एक्स पे ऊपर बिंदी म न छोटी ई स्पेस, ये वाली फिंगर यहाँ पे आएगी आपकी स्लैश। फिर यहाँ से जो लिटिल फिंगर है दोबारा फुल स्टॉप और कॉमा, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप और कॉमा आता है, उसी फिंगर से ही फुल स्टॉप और कॉमा को आपने प्रेस करना है। यहाँ से एम से यहाँ पर सौ, फिर ल व र स्पेस। बस इसे भी अभ्यास नंबर 7 को आप बोल बोल के टाइप करें और उसके बाद अपना टेस्ट लें, अगर आपको याद होना स्टार्ट हो गया है। फिर अभ्यास नंबर 8 की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें भी आपने एक एक वर्ड को, जैसे आपको हर बार कहा जाता है कि एक वर्ड को आप बोल बोल के टाइप, दो दो लाइन तीन तीन लाइन टाइप करें, वैसे ही करना है। कैसे करना है देखो, यहाँ पे फिंगर्स रख लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर व व, ठीक है, बी से व, फिर यहाँ पर न स्पेस व न स्पेस व न व न व न वन व न वन व वापस न, ठीक है। फिंगर साथ के साथ जो आपकी फिंगर है होम रो पे जो पोजीशन है, बस आपने टाइप किया, साथ के साथ ही आपकी फिंगर उसी पोजीशन में वापस, ये नहीं कि यहाँ पे ऐसे चल रहा है व तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर आप ये गलत है, इसको टाइप किया ये वापस, फिर दूसरी फिंगर लेके जानी है, ठीक है। जो पोजीशन है वापस आएं, फिर दूसरी फिंगर को मूव करें। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है रकम, अब इसे कैसे करना है, र, ठीक है, र टाइप किया क, फिर उसके बाद यहाँ पर सी म, ठीक है, र क और यहाँ से सी म, र क फिर म, ऐसे ही आपने अगला वर्ड है करम, फिर यहाँ पर चंदा, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना यहाँ पे कि जो बिंदी है ये बिंदी वाला, तो इसे कैसे करना है आपने, चंदा वाला, चौ टाइप किया हमने यहाँ से, ठीक है, इस फिंगर से चौ टाइप किया, फिर यहाँ से बिंदी आ गया, ओके, द, फिर यहाँ से आ की मात्रा चंदा, क्लियर, चौ यहाँ से बिंदी द, फिर आ की मात्रा चंदा। तो जो ये बिंदी है ये ऊपर आएगी, जो ये बिंदी आपकी वर्ड के ऊपर आएगी, जैसे यहाँ पर हंसी चंदा, इन वर्ड के ऊपर ये बिंदी वाला यूज होगा आपका, बाकी फुल स्टॉप और कॉमा जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही हम यूज करेंगे। तो इस तरह आप यहाँ पर अभ्यास नंबर जो 8 है उसकी भी अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लें और एक एक वर्ड को दो दो लाइन तीन तीन लाइन बोल बोल के टाइप करें। उसके बाद आपका अभ्यास नंबर 9 है, इसे भी आपने एक एक वर्ड को दो दो लाइन तीन तीन लाइन टाइप करें, बोल बोल के टाइप करें, तो ऐसे ही आप टाइप करते रहो। थैंक यू सो मच।